हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1D का जो डी पार्ट है, यानी ए बी सी हमने कंप्लीट कर ली है। डी का फर्स्ट सम भी कर चुके हैं, आज सेकंड सम करेंगे। स्टूडेंट, हमने जो फर्स्ट सम किया था उसमें ऐड किया था, और आज हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो उसी सम की तरह ही है ये, 88 - 33, राउंड ऑफ। यानी 88 को किसके नियर अबाउट मानेंगे? 90 के, और 33 को 30 के। तो 90 - 30 60, और इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा? 55। इसके बाद में बी पार्ट, 78 - 39। 78 किसके नियर अबाउट है? 80 के, और 39 40 के। 80 - 40 करेंगे 40, और इसमें से 78 में से 39 माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 39। इसी तरह से सी, 47 - 23। 47 50 के करीब, और 23 20 के। तो 50 - 20 30, और 47 में -23 करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 24। इसी तरह से डी पार्ट है, 85 - 38। अब 85 यानी 5 या 5 से ऊपर की वैल्यू आ जाती है, 6 7 8 9, तो उसको 90 में काउंट करेंगे, यानी आगे 0। तो इसमें 85 होगा 90 - 38 होगा 40 के। तो 90 - 40 50, और 50 85 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 में से 8 गए 7, 7 में से 3 गए 4। इसका करेक्ट आंसर आएगा 47। इसी तरह से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई का सम दिया हुआ है, यानी सब्ट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लाई करनी है, वो करते हैं। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करनी है, वही है राउंड ऑफ, एस्टिमेट और करेक्ट। तो इसमें 39 * 8, इसमें 39 को किसके नियर अबाउट मानते हैं? 40 * 8। तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना आएगा? 320। एग्जैक्ट इसका आंसर, यानी करेक्ट आंसर, यानी इसकी करेक्ट मल्टीप्लाई कितनी होगी? 8 9 = 72, 7 कैरी 8 3 = 24, और 7 31, यानी इसकी जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा? 312। इसके बाद है 91 * 4। 91 को किसके नियर अबाउट? 90 के। 90 * 4, यानी 90 * 4 360, और 91 * 4 करेक्ट कितना आएगा? 364। नेक्स्ट है 69 * 6। 69 को 70 के करीब मल्टीप्लाई 6, 70 की 6 के साथ करेंगे 420, और एग्जैक्ट इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 6 9 = 54, 5 6 6 = 36, और 5 41, यानी 414। इसके बाद में है डी पार्ट, 73 * 7। 73 को 70 के मल्टीप्लाई 7, कितना आएगा? 490 इसकी मल्टीप्लाई। इसका सही आंसर कितना आएगा? 511। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 511। तो स्टूडेंट्स, ये था थर्ड सम। अब हम नेक्स्ट सम को करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ऐड एंड गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन थाउजेंड्स। इनको करेक्ट ऐड भी करना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इनकी बतानी है। तो इनकी स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है इन थाउजेंड्स में। देखो, यह है 3654। अब ये किसके नियर अबाउट है? यानी आपने इसका थाउजेंड्स का डिजिट दे सॉरी हंड्रेड का डिजिट देखना है। हंड्रेड का डिजिट अगर 5 या 5 से ऊपर है तो आपने क्या करना है? इस थाउजेंड के जो डिजिट को यानी एक ज्यादा करके लिख देना है। और अगर यहाँ पे जैसे 6 है 6 की बजाय यहाँ पे 3 होता 2 होता 1 होता, यानी 5 से कम है, तो जो थाउजेंड का डिजिट है इसको एक कम करके लिखना है। अगर 5 से ऊपर है या 5 है तो यहाँ पे प्लस करके लिखना है, और कम होता है 5 से तो यहाँ पे माइनस करके इसका लिखना है। तो ये इसका कितना हो जाएगा?
फाइव से ऊपर है तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 4000, बाकी जीरो जीरो कर दीजिए, यानी इन तीनों को जीरो, फिर ये थ्री में वन ऐड करके 4000 प्लस में। अब ये 100 का डिजिट फाइव से ऊपर यानी 9 है, तो इसकी क्या बन जाएगी इन तीनों की, जीरो, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी ये कितने के करीब हो जाएगी, 5000 के, तो कितना आ जाएगा, 9000। तो स्टूडेंट इसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ही इसकी बतानी है, एग्जैक्ट नहीं बतानी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। इसी तरह से बी पार्ट है, इसमें माइनस करना है, तो ये किसके नियर अबाउट वैल्यू है, 9000 के, किसके है 9000 माइनस, और ये किसके हो जाएगी 2000 के, क्योंकि यहाँ से 5 से कम है, तो इसमें 2 का 2 ही, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ पे अगर 5 से कम है तो यहाँ माइनस करना है, माइनस नहीं करना, वही डिजिट रहेगी, सेम वही डिजिट रहेगी, और अगर 5 से ज़्यादा है तो यानी इसमें 1 ऐड करके लिख देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 7000। अब सी पार्ट को पढ़ते हैं, ये 2894, ये किसके नियर अबाउट है, 3000 के, प्लस ये किसके नियर अबाउट है, ये देखो 5 से ऊपर है ना, तो इसके 0 और ये 7 बना देंगे इसका, तो इसका कितना आ जाएगा, 10000। इसी तरह से इसको करते हैं 8914, तो ये हो जाएगा 9000 माइनस 7825, ये भी 5 से डिजिट ऊपर है यानी 8 है, तो इसमें ये हो जाएगा 8000, तो 9000 में से 8000 माइनस करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1000। इस तरह से आपने इस फोर्थ सम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट मल्टीप्लाई एंड गिव द अप्रोक्सीमेट आंसर, मल्टीप्लाई करनी है यानी इसका अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है, हमें करेक्ट आंसर नहीं बताना। तो 49 मल्टीप्लाई 67, 49 को हम नियर अबाउट मानते हैं 50 के, मल्टीप्लाई 67 को किसके मानेंगे, 70 के, तो 50 मल्टीप्लाई 70, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 3500। इसी तरह से 347, अब इसको हम किसके नियर अबाउट मानेंगे, 300 के, हमें इसमें हंड्रेड्स डिजिट में बताना है यानी हंड्रेड्स में बताना है, मल्टीप्लाई 49 को 50 के, तो 300 मल्टीप्लाई 50 कितनी हो जाएगी, 15000, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 30 आ जाएगी। इसी तरह से इसको 292 किसके नियर अबाउट है, 300 के, मल्टीप्लाई 312, ये भी 300 के, यानी अगर ये वैल्यू 50 से ऊपर चली जाती है यानी 12 की जगह यहाँ पे 51 आ जाता है, तो वो 400 में काउंट होगा, और ये 50 से ऊपर है तो ये 300 में हो जाएगा, 50 से कम होता तो ये 200 में काउंट होता, इधर भी 300, तो 300 मल्टीप्लाई 300 कितना आ जाएगा, 9 और 40 यानी 90000। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1D है हमारी कंप्लीट।